हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटबहारा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कक्षा 11 की केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये मान के चलिए कि बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हुए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं सीखते हैं तो आपका केमिस्ट्री पढ़ना व्यर्थ है, यानी कोई मतलब नहीं रह जाता है कि आप केमिस्ट्री पढ़ाए हैं। इसलिए जरूरी है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जानें। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या अर्थ है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अर्थ है कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। अब देखिए कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और कैसे संकेत रखते हैं। तो मान लिया हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका संकेत क्या होगा। तो मान लीजिए 1s2 क्या है? 1s2 वन क्या है? कोष। यस क्या है? उपकोष। और यहां जो टू क्या है, ये आपके इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा तो प्रायः इसी प्रकार से किया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। यानी किसे देखना है? हाइड्रोजन से जिंक तक। तो देख लीजिए कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो पहला आपको बता दें कि जो आपको कोष बताए गए हैं के एल एम एन, के लिए जो संकेत है वो एन बराबर कितना है? 1। एल के लिए एन बराबर 2, एम के लिए 3 और एन के लिए कितना है? 4। अगर हम बात करें तो के में केवल एक यस उपकोष है, यहां उपकोष लिख देते हैं। एल में यस और पी है, एम में यस पी डी है और एन में यस पी डी एफ है। अब जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे के कोष को भरेंगे, फिर यल कोष को भरेंगे, फिर यम और उसके बाद यन। उसके आगे भी कोष है। जब आप आगे की बड़ी संख्याओं के इलेक्ट्रॉनिक यानी बड़े परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे तब आपको बताया जाएगा। अब जब के में भरा जाएगा तो के में भरने के बाद फिर यल में जब भरा जाएगा तो यल में पहले यस में भरेगा, फिर पी में भरेगा इलेक्ट्रॉन, फिर आपका यम कोष में चला जाएगा और यम कोष में यस में भरेगा, पी में भरेगा, डी में भरेगा। फिर उसके बाद जब यम कोष में वितरण करेंगे तो यस भरेगा, पी भरेगा, डी भरेगा और यफ भरेगा। लेकिन इसमें भी एक नियम है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाव के नियम से
किया जाएगा। अब देख लीजिए, मान लीजिए हमको क्या करना है, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक एक, तो जब भी भरेंगे तो हो जाएगा वन यस वन, वन यस वन। दूसरा है आपका हीलियम, इसका जो परमाणु क्रमांक है दो। अब देखिए वन यस टू, वन क्या है कोस, यस क्या है उपकोष, और दो क्या है इलेक्ट्रॉन। अब देखिए लिथियम का होता है तीन, लिथियम का होता है तीन। तो जब लिथियम का जब भरा जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, पहला वाला पहले में आप कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, केवल दो इलेक्ट्रॉन, जिसमें जिससे देखिए ऊपर क्या हो गए दो इलेक्ट्रॉन भर गए। इसका मतलब अब दो इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, के में जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन के में जाएंगे, पर तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है किसमें जाएगा, यल में जाएगा। इसको लिख सकते हैं वन यस टू। अब यहां लगाएंगे हम कॉमा टू यस वन, टू यस वन। उसके बाद लिख लीजिए बेरियम का होता है चार, जाएगा तो वन यस टू, टू यस टू। बेरियम के बाद आता है आपका बोरान, इसका होता है पांच। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वन यस टू, टू यस टू। अब चार इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन यस में कितने इलेक्ट्रॉन, केवल दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो दो पहले में हो गए और दो दूसरे में हो गए, इसका मतलब बचा है तो हम कह सकते हैं टू पी वन। क्या हो जाएगा टू पी वन। अब देख लीजिए बोरान के बाद आपका हो गया कार्बन, कार्बन का होता है सिक्स, वन यस टू, दो इलेक्ट्रॉन हो गया टू यस टू, चार इलेक्ट्रॉन हो गया टू पी टू, छह इलेक्ट्रॉन। कैसे गिनेंगे, दो दो चार दो छह। वैसे जब नाइट्रोजन का किया जाएगा तो जब नाइट्रोजन का होगा तो बाकी सब यही होगा, लेकिन यहां जो होगा यही बाकी सब क्या होगा सेम होगा, पर यहां क्या जाएगा टू पी थ्री। नाइट्रोजन के बाद जब ऑक्सीजन देखेंगे तो इसका हो जाएगा बिल्कुल सेम होगा टू पी फोर। फिर उसके बाद हम क्लोरीन देखते हैं नाइन, इसका हो जाएगा टू पी फाइव। अब फिर उसके बाद नियान देखते हैं, नियान का होता है दस, नियान का कितना होता है दस, तो जब इसका दस हो जाएगा तो इसका भी सेम चलेगा, कैसे चलेगा वन यस टू, टू यस टू, टू पी सिक्स। क्या हो जाएगा टू पी सिक्स। अब इसके बाद देख लीजिए यहां हम लोग चले जाते हैं, अब क्या हो जाएगा देख लीजिए सोडियम, इसके बाद क्या हो जाएगा सोडियम, सोडियम का होता है परमाणु क्रमांक कितना 11। अब जब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है तो पहले क्या भरेगा वन यस टू, फिर उसके बाद किसमें जाएगा यल में टू यस टू, टू पी सिक्स। अब अभी कितना हो गया 10,
लेकिन है कितना? 11। तो ऐसे में आपकी बार पता चला गया कि यस वन। ध्यान दीजिएगा, जब यल में भरेगा तो पहले यस भरेगा फिर पी भरेगा, वैसे जब यम में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो यम में प्रवेश करने के बाद पहले यस भरेगा पी भरेगा और फिर उसके बाद डी भरेगा। यस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। पी में कितने? 6। और डी में कितने रह सकते हैं? 10। वैसे फिर सोडियम के बाद आ जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो होता है वो 12 होता है। ये सब बिल्कुल सेम रहेगा, यहां हो जाएगा 3s2। अब उसके बाद देखेंगे मैग्नीशियम के बाद हो जाएगा वो एल्युमिनियम का हो जाएगा। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। अब इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p 6 कॉमा, जहां कोस को चेंज करेंगे कॉमा भी वही चेंज करेंगे 3s2। अब देखिए कितना हो गया, 2 2 4 10 2 12, एक बचा है, लेकिन एक जो बचा है वो किसमें जाएगा? 3p में जाएगा। तो 3p 1। अब एल्युमिनियम के बाद जो आया था है वो आ जाता है सिलिकॉन का 14। बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगा, लास्ट वाले में हो जाएगा 3p2। सिलिकॉन के बाद आ जाता है आपका फास्फोरस, इसका होता है 15। इसका भी सेम चलेगा और ये हो जाएगा 3p3। फास्फोरस के बाद आपका आ जाता है सल्फर, जो कि होता है 16। सेम चलेगा, सेम क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 के बाद आ जाएगा 3p4। उसके बाद आपका हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन का हो जाएगा 17, तो सेम चलेगा और ये हो जाएगा 3p5। क्या हो जाएगा? 3p5। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा आर्गन। इसके बाद क्या हो जाएगा? आर्गन। आर्गन का होता है 18। इसका चलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देख लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 और 12 6 हो गया 18। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब ध्यान दीजिएगा, यहां अब दो कंडीशन है कि एक तो 3d में प्रवेश करे और एक किसमें प्रवेश करे? 4s में प्रवेश करे। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, यन प्लस यल रूल से हम पता कर लेते हैं कि किसकी ऊर्जा कम है। आप जानते हैं जिसकी ऊर्जा कम होगा पहले क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करेगा। तो 3d के लिए जो होगा यन प्लस यल आपका हो जाएगा 3n हो जाएगा, और d के लिए n बराबर होता है
यह बराबर कितना होता है? दो। तो हो गया यन प्लस एल का मान हो गया फाइव। यहां देख लेते हैं फोर यस के लिए यन प्लस एल तो फोर, और यस के लिए होता है एल का मान जीरो, तो हो गया जीरो, इसका मतलब हो गया फोर। कौन सी ऊर्जा कम है? कौन सी ऊर्जा कम है? तो हम देखते हैं कि फोर यस की ऊर्जा कम है, इसलिए जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा? फोर यस वन। क्या हो जाएगा? फोर यस वन। अब उसके बाद आप देखेंगे कैल्शियम, तो कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम का हो जाता है 20, और ऐसे में बिल्कुल सेम होगा, यहां आपका हो जाएगा फोर यस टू। अब देखिए जब हम स्कैंडियम की बात करते हैं, जब हम स्कैंडियम 21 की बात करते हैं तो ऐसे में इसका जो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब देखिए कितना हो गया, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20। अब बचा क्या? 21वां इलेक्ट्रॉन। तो 21वां इलेक्ट्रॉन अब दो कंडीशन आप देखते हैं, 21वां इलेक्ट्रॉन, तो 21वां जो इलेक्ट्रॉन है वो 3d में भी जा सकता है और 4p में भी जा सकता है। अब दोनों के लिए जब हम ऊर्जा स्तर की गणना करेंगे तो इसके लिए जो हो जाएगा n प्लस l, n प्लस l, तो n प्लस l, इसके अगर इसके लिए हम n प्लस l की बात करते हैं तो जाएगा 3 प्लस 2 इक्वल 5, और इसके लिए क्या करते हैं n प्लस l, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल 5। ऊर्जा अवस्था की बात करते हैं तो दोनों के लिए n प्लस l का मान कितना है? 5 और 5। लेकिन नियम यह है कि अगर ऊर्जा स्तर का मान समान हो, यदि ऊर्जाओं का मान समान है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कोष में प्रवेश करता है या उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसके लिए n का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। तो यहां देखेंगे n का मान 3d के लिए न्यूनतम है, इसलिए अब की बार जो प्रवेश करेगा इलेक्ट्रॉन वो किसमें प्रवेश करेगा? 3d1। इसमें प्रवेश करेगा 3d1। अब स्कैंडियम के बाद आ जाएगा आपका टाइटेनियम का होता है 22। पूरी सेम चलेगी और यहां हो जाएगा आपका 4s2 3d2। टाइटेनियम के बाद आता है वैनेडियम का होता है 23। इसका भी बिल्कुल सेम चलेगा, आप लोग करते रहेंगे। हमने क्या किया, एक रेखा बना दी है, इसका मतलब है कि सेम चल रहा है। आप भी ऐसे कॉपी में रेखा नहीं बनाओगे, आप क्या करोगे इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये हो जाएगा 4s2 3d3। फिर इसके बाद आता है क्रोमियम का, हो जाता है 24। क्रोमियम का 24 हो जाता है, तो इसका जब ध्यान दीजिएगा इसका सेम चलेगा, लेकिन यहां जो हो जाता है 4s1 हो जाता है, 4s1 और 3d5 हो जाता है, 3d5 हो जाता है। तो यहां देखिए जब 3d5 हो जाता है, और ये जानते हैं इसको अपवाद कहते हैं, इसलिए इसको अभी हम क्या कर देते हैं, एक स्टार लगा देते हैं जिससे आपको पता लग जाए कि ये क्या है, अपवाद संरचना है।
और ये अस्थायित्व के कारण होता है, क्योंकि जब कोई कोष अर्धभरित होता है, क्या होता है, अर्धभरित होता है तो वो ज्यादा अस्थायी होता है। अर्धभरित का मतलब होता है कि ऐसे देखिए, फोर यश में कितना जाएगा, फोर यश में वन जाएगा और इसमें थ्री डी में, थ्री डी में एक दो तीन चार पांच, तो ये अर्धभरित अवस्था में है। किस अवस्था में है, अर्धभरित, अर्धभरित, इसलिए यह ज्यादा स्थायी होगा। इसके बारे में हम लोग आगे और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप केवल इतना जान लेंगे कि अस्थायित्व के कारण इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में चेंजिंग होती है। अब देखिए, इसके बाद क्रोमियम के बाद मैंगनीज का होता है 25, इसका सेम हो जाएगा, लेकिन यहाँ आपका फिर से यस टू हो जाएगा और 3d5 रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें प्रवेश करेगा, इसमें 3d5 ही रहेगा। मैंगनीज के बाद आपका आ जाता है आयरन, आयरन का होता है 25, सेम चलेगा बिल्कुल, और भर गया, इसके बाद ये क्या हो गया 3d6, क्या हो जाएगा 3d6। देख लीजिए कैसे, क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। तो दो सॉरी 26 है, देख लेते हैं अभी का कितना है 26 है, तो क्या हो जाएगा 26 का 1s2, 2s2 दो, दो चार छः दस, दो बारह 18, दो बीस और छः 26। अब इसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट का होता है 27, बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4s2 होगा और 3d7। फिर आपका हो जाता है निकिल, निकिल का हो जाएगा आपका 28, तो इसका भी सेम चलेगा और ये लास्ट में हो जाएगा 4s2 3d8। अब देखिए इसके बाद आता है कॉपर का हो जाता है 29, तो कॉपर का जब 29 हो जाएगा तो कॉपर में 29 होने के कारण फिर देखिए इसका क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4s1 हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4s1 हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा। ये क्यों होता है, तो ये भी आपको अस्थायित्व के बारे में ही है कि जब पूर्ण भरित होगा, क्या होगा पूर्ण भरित मतलब पूरी तरह से भरा होगा तो क्या होगा ज्यादा अस्थायी होगा, जब पूरी तरह से भरा होगा तो क्या होगा ज्यादा अस्थायी होगा। कितने इलेक्ट्रॉन है 10, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां और दसवां, इसका मतलब ये क्या है पूर्ण भरी। इसका अब ये पूर्ण भरी मतलब अस्थायी होने के लिए क्या होता है, कॉपर की अस्थायी होने के लिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है बदल जाता है। अब अगर हम बात करते हैं जिंक, जिंक का आपका हो जाएगा 30, इसका हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
56, 4 H2 3D 10. तो इस प्रकार क्या होता है कि 1 से लेके 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, यानी इसका अभ्यास आप बार बार करेंगे, और साथ में जो हमने ये रेखाएं कर दी हैं आप जब भी कॉपी पे करोगे तो इसका ठीक है पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा दर्शाओगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया होगा। आगे नए वीडियो में आप